एक नौकरी की खोज के अंतर्गत आज हम एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे। इसमें पूरी जानकारी लेंगे कि एसएससी स्टेनोग्राफर का काम क्या होता है, ठीक है, उसकी नियुक्ति कैसे होती है, उसको क्या पढ़ना होता है और किस तरीके से उसको अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। तो एसएससी स्टेनोग्राफर जो है, से पहले मैंने मध्य प्रदेश पुलिस की जानकारी डाली थी। उसके बाद कुछ कमेंट आए जिसमें बच्चों ने बोला कि सर हम फिजिकल एबिलिटी नहीं रखते हैं और हमारे घर वाले पुलिस में भी जाने के लिए हमको एग्री नहीं करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने उन्होंने बोला कि ऐसा एक एग्ज़ाम बताएं सर जिसमें फिजिकल एबिलिटी की आवश्यकता ना हो। तो एसएससी स्टेनोग्राफर में आपको किसी प्रकार के फिजिकल टेस्ट को पास नहीं करना होता है, केवल आपको टाइपिंग और शॉर्ट हैंड आना आवश्यक है और उसका एक स्किल टेस्ट होता है और अंग्रेजी भाषा का आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए क्योंकि इसमें 100 नंबर का सीधा अंग्रेजी का ही पेपर होता है, तो वो ज़्यादा वैल्यूबल है। तो आपको उसके हिसाब से समझाता हूँ मैं, आप इसको समझिएगा। तो उसमें हम बताना चाहते हैं सबसे पहले कि जो एसएससी का जो स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम होता है, वो एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड द्वारा कराया जाता है। इसका एग्ज़ाम अलग अलग, जैसे एसएससी आपको नौकरी नहीं देता है, एसएससी केवल एग्ज़ाम कराने वाली एक एजेंसी है। एग्ज़ाम क्या होता है कि कई मंत्रालय हैं, कई विभाग हैं, कई संगठन हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, उनको अपने यहाँ पर क्लर्कों की ज़रूरत है, स्टेनोग्राफर की ज़रूरत है, तो वो एसएससी को ये काम करने के लिए देते हैं। तो एसएससी इसके लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और चयनित छात्रों को इन डिपार्टमेंटों में भेजती है। तो ये तरीका होता है। तो स्टेनोग्राफर का मतलब क्या होता है, इसे कहते क्या है, तो कुछ जगह पे ऐसे आशुलिपिक भी कहा गया है, हिंदी में कहते हैं। स्टेनोग्राफर को समझने के लिए हम समझते हैं कि स्टेनोग्राफर जो होता है आशुलिपि होता है, इसको लेखन की प्रक्रिया को स्टेनोग्राफी कहा जाता है। शॉर्ट हैंड एक संक्षिप्त प्रतीकात्मक लेखन विधि है इसका, जिससे हम कम शब्दों में सिंबॉलिक यूज़ करते हैं और उससे लिखने की गति बढ़ जाती है। और इसका उपयोग कहाँ होता है, तो जो बड़े बड़े अधिकारियों के जो पीए होते हैं, मंत्रियों के पीए होते हैं, उन्हें कम समय में बहुत ज़्यादा ज़्यादा लिखना होता है, मंत्री या अधिकारी जल्दी जल्दी बोल रहे होते हैं कुछ चीज़ों को, तो उसे शॉर्ट में तैयार करना होता है। तो एक कोड लैंग्वेज टाइप की होती है, शॉर्ट हैंड उसे तैयार करते हैं लोग। इसके अलावा सरकारी विभागों की स्पीच वगैरह तैयार करना, ये सब इनका काम है। तो यहाँ एसएससी स्टेनोग्राफर का जो प्रोफाइल क्या होता है, यानी उसे क्या क्या काम करना पड़ता है, ये बताने की कोशिश की गई है। तो स्पीच राइटिंग के किसी भी ऐसे स्टेनोग्राफर को प्राथमिक कार्य है, चाहे वह केंद्र सरकार किसी विभाग के तहत भर्ती की गई हो। आपको आपको मतलब एसएससी स्टेनोग्राफर को मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों के भाषणों को नोट करना, उनके भाषणों का विवरण को ध्यान से लिखना, क्योंकि इस भाषण पर सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा होता है, इसलिए आप गलती ना करें, ठीक है। केंद्र सरकार में फर्स्ट क्लास ऑफिसर के पर्सनल असिस्टेंट के रूप में भी काम करना होता है। इसके अलावा फोन कॉल का जवाब देना, मीटिंग अरेंज करना, सरकारी दस्तावेज वगैरह इनका इंतजाम करना, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करना, ये सारा काम भी इनके अंतर्गत ही आता है। इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कैसे करते हैं, कैसे अप्लाई करें, तो एसएससी इसके लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम कराती है और इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर जाकर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना रहता है। तो इसमें आवेदन भरने की प्रक्रिया के 2 चरण होते हैं, भाग एक और भाग दो। भाग एक वाला चरण आप अगर एक बार कर लेते हैं तो आपको दोबारा बार बार नहीं भरना है। भाग एक में जो इन्फॉर्मेशन आपसे यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, तो इसका उपयोग एसएससी के आप अन्य परीक्षाओं में भी कर सकते हैं, इसको बार बार नहीं भरना होता। इसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा भरा जाता है, मतलब पहली बार अगर कोई एग्ज़ाम दे रहा है तो उसे भरना होगा। और भाग दो जो है, वो जब भी वैकेंसी आएगी तो भाग वन की जानकारी उसमें अपने आप ले ली जाएगी। तो इस तरीके से आपकी जो जानकारी भरी जाती है उसके गलत होने की संभावना कम रहती है। इसके लिए क्या एजुकेशन चाहिए, एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, तो सिंपल है, एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम ग्रेड सी और डी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से 12वीं या 10+2 ईयर्स इसके समानांतर कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ठीक है। आपने 12वीं में कोई भी लिया हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, आपसे कोई मतलब नहीं है इससे। तो ये सबसे बेस्ट है कि इसमें ज़्यादा हायर एजुकेशन नहीं चाहिए, केवल 12वीं तक के बच्चे भी इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। एज लिमिट का क्राइटेरिया देखें इसके अंतर्गत, तो इसके अंदर 18 से 30 वर्ष की आयु होना चाहिए ग्रेड सी के लिए और 18 से 27 वर्ष की आयु होना चाहिए ग्रेड डी के लिए। इसके अलावा अगर आप ओबीसी की श्रेणी में आते हैं तो आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट है और SC ST में आते हैं तो 5 वर्ष की छूट है। और शारीरिक रूप से विकलांग हैं, हैंडीकैप्ट हैं, तो 10 साल की आपको छूट मिलेगी। इसको एक चार्ट के द्वारा नीचे
बताया गया है, आप उसे समझ सकते हैं। और अगर आप एक्समैन हैं तो भी आपको इसके अंतर्गत 6 साल की छूट मिलेगी, एक्स सर्विस मैन है ओबीसी से, और एसटीएससी से तो 8 साल की मिलेगी, जनरल में तो 3 साल की मिलेगी। ठीक है, इसके लिए जो एजेबिलिटी नेशनलिटी, मतलब आप इसके लिए क्या आपके पास होना चाहिए, तो सबसे पहले तो आप भारत के नागरिक हो, ये तो जरूरी होता ही होता है। अगर आप भारत के नागरिक नहीं भी हैं, नेपाल और भूटान के नागरिक हैं, तो भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप भारतीय नागरिक नहीं हैं फिर भी आप एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो उसमें कुछ श्रेणियाँ बताई गई, उसमें नेपाल और भूटान के नागरिक भी दे सकते हैं। तिब्बत शरणार्थी हैं जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से रह रहे हों, और भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, सॉरी श्रीलंका, केन्या, अफ्रीकी देशों, तंजानिया, संयुक्त गणराज्य, युगांडा, जाम्बिया, इथियोपिया, जैरे, मलावी, वियतनाम से स्थायी आ चुके हों यहाँ पे भारत में बसने के लिए, वो लोग भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, अगला है फीस क्राइटेरिया। तो फीस क्राइटेरिया कुछ नहीं, एसएससी की वेबसाइट पे डला हुआ है। इसमें आपको एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए 100 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है, और महिला, एसटीएससी और शारीरिक रूप से विकलांग और पूर्व सैनिकों को इसमें कोई फीस नहीं देनी होती, ये भी नीचे एक चार्ट के द्वारा बताया गया। स्टेनोग्राफ एग्जाम का जो पैटर्न होता है, इसका सिलेबस वगैरह क्या होता है बता रहे हैं इसके अंदर। तो इस परीक्षा में तीन सेक्शन होते हैं। पहला पोर्शन जो होगा जनरल इंटेलिजेंस और एजेंसी का रीजनिंग का होगा, और दूसरा होगा जनरल अवेयरनेस का, जिसके अंतर्गत सामान्य जागरूकता वाले क्वेश्चन होंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज का। तो पहले दोनों क्वेश्चन में 50-50 क्वेश्चन रहते हैं, जबकि तीसरा जो भाग है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। टोटल मिला के 2 क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आपको 2 घंटे में करना रहता है। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आपको 40 मिनट और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। शारीरिक रूप से विकलांग है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, रॉन्ग क्वेश्चन का 0.25 क्वेश्चन मंक जो है कटता है, और रिटर्न एग्जाम पास कर लेते हैं उसके बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है। तो स्किल टेस्ट क्या होता है अभी बताते हैं। इस चार्ट में ये बताने की कोशिश की जो ऊपर बताया गया है कि जो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का पेपर है वो 50, सामान्य जागरूकता 50 और इंग्लिश लैंग्वेज 100। इसमें एक फ़ायदा हो रहा है, इसमें गणित नाम मात्र की आती है, जो भी आती है रीजनिंग के अंतर्गत मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के तहत दी जाती है। तो मैथ्स बहुत लोअर स्तर की आती है, तो जो बच्चे गणित से भी थोड़ा खौफ खाते हैं या गणित से बचना चाहते हैं उनके लिए भी ये एग्ज़ाम बहुत बढ़िया रहता है। अगला है एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम का सिलेबस। तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें पढ़नी है वो सारी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो उन्होंने बताया कि फेज़ वन में एक टेस्ट होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन होगा, और फेज़ टू में स्किल टेस्ट होगा, ये पहला पास हो जाने के बाद ही होता है। इसमें आपको पेन और पेपर पे पहले शॉर्ट हैंड तैयार करनी होगी, फिर कंप्यूटर के ऊपर जाके उसकी टाइपिंग करनी होगी। उसकी कुछ स्पीड वगैरह होती है जो नीचे बताई जाएगी आपको। इसमें जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का जो पोर्शन है उसके अंतर्गत जो टॉपिक आएंगे वो यहाँ बता दिए गए हैं। तो एनालॉजी टेस्ट है, सिमिलैरिटी और डिफरेंस निकालना दो चीज़ों के अंदर, ठीक है, स्पेस वैल्यूजन और प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, ये सब चैप्टर के नाम है, रीजनिंग में आते हैं ये, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, विजुअल मेमोरी और इस तरीके से रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, इस तरीके से सारे चैप्टर इसके अंतर्गत आते जाते हैं। और अर्थमेटिक रीजनिंग, थोड़ी अर्थमेटिकल पोर्शन भी आता है, नॉन वर्बल सीरीज। ऐसे टेस्ट के लिए सिंपल आप कोई भी रीजनिंग की बुक से देख सकते हैं, सारे टॉपिक लगभग कवर हो जाते हैं। तो यहाँ बताया इसमें कि वर्बल रीजनिंग में ये सारे पोर्शन आते हैं, ऊपर बताए थे अभी एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेट, सीरीज, ब्लड रिलेशन। तो कोई भी रीजनिंग की बुक उठाएं आपको ये सारे चैप्टर मिलेंगे, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। और नॉन वर्बल में आता है फिगर वगैरह से रिलेटेड, फिगर अधूरे हैं तो, पेपर फोल्ड वाला आता है, मिरर इमेज वाले आते हैं, और सामान्य जागरूकता यानी जीएस वगैरह से रिलेटेड, तो इसमें खेल से, इतिहास से, संस्कृति से, भूगोल से, मतलब कोई लिमिट नहीं है, सब कुछ आता है, राज्य, क्षेत्र, प्रदेश, पर करंट ज़्यादा चलता है इसके अंदर। इसमें इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, वर्तमान मतलब प्रेजेंट के कार, करंट, खेल, पुरस्कार, सम्मान, ये सब पूछा जाता है। और जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है वो वोकेबलरी बेस होता है, इसके अंदर आपके समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, विपरीत शब्द और पर्यायवाची, इस तरीके से
जो इंग्लिश के रहते हैं वो पोर्शन, सिनोनिम्स वगैरह, वन वर्ड, ठीक है, और इसके व्याकरण से रिलेटेड एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, और जो एरर वगैरह छाटने के रहते हैं वो, वाक्य संरचना में भी कुछ पोर्शन रहते हैं, और कॉम्प्रेंसिव रहता है एक पैराग्राफ वगैरह से रिलेटेड। इसके अलावा स्टेनोग्राफी की जो स्किल टेस्ट परीक्षा का जो पैटर्न होता है वो बता रहे हैं, ये तभी होगा जब आप पहला एग्जाम पास कर लेंगे। तो इस परीक्षा में उम्मीदवार जो होते हैं स्टेनोग्राफर सी पद के लिए 10 मिनट के भीतर 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से, और डी के लिए 80 शब्द प्रति मिनट की गति से, ठीक है, श्रुति लेखन मतलब है ना शॉर्ट हैंड वगैरह दिया जाता है। तो आप इसके अंतर्गत आप इस कॉलम से समझ सकते हैं, ये ग्रुप सी के लिए, ग्रुप डी के लिए। तो ग्रुप सी के अंदर जो स्टेनोग्राफर की स्पीड होती है, टाइपिंग की स्पीड होती है, वो रहती है 100 शब्द प्रति मिनट, और ये होती है 80 शब्द प्रति मिनट, और 10 मिनट मिलेंगे तो ये हो जाएगा 800 शब्द, ये हो जाएगा 1000 शब्द। उसके बाद शॉर्ट हैंड लिखनी रहती है, तो इंग्लिश वालों के लिए ये टाइम है, हिंदी वालों के लिए ग्रुप सी में, इसी प्रकार ग्रुप डी के अंतर्गत है। और जो शॉर्ट हैंड आप तैयार करेंगे उसी की आपको टाइपिंग भी करवाई जाएगी, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड के जो एग्जाम के स्किल एग्जाम के चरण होते हैं उसमें पहला है शॉर्ट हैंड। ये शब्द संक्षेप व प्रतीक के माध्यम से तीव्र लेखन का तरीका है, इसे विशेष रूप से श्रुति लेखन या शॉर्ट हैंड, ठीक है, इसमें आपको बताया गया कि शॉर्ट हैंड नोट्स बनाने पड़ते हैं, और जो नोट शीट दी जाएगी उस पर आप नोट शीट बना लेंगे, और फिर इन्हीं का स्किल टेस्ट के चरण दो में उपयोग किया जाएगा। चरण दो कौन सा है? चरण दो में आपको टाइपिंग मिलेगी, कंप्यूटर पे आपको टाइपिंग करनी होगी, तो इसमें आपको एक कोई भाषण होगा या कोई वार्तालाप होगी, उसके आधार पर आपको अपने नोट तैयार करने होंगे, ठीक है, और ये नोट तैयार होके टाइप किया थी कंप्यूटर के ऊपर। तो स्किल टेस्ट के लिए थोड़ा सा बताया भी यहाँ पे और कि रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया था, मैं इतनी देर से बता रहा हूँ आपको। किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए स्टेनोग्राफी टेस्ट में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, बस थोड़ा टाइम ज़्यादा मिलता है हैंडीकैप्ड वालों को। स्किल टेस्ट में अपियर होना मैंडेटरी है, ऐसा नहीं कि आपने रिटर्न निकाल लिया आपको इसमें भी आपको देना होगा। स्किल टेस्ट में 10 मिनट का होता है, इसमें कैंडिडेट जिस भी लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं उसमें ग्रुप सी के लिए, ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड्स और डी के लिए 80 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से उन्हें टाइपिंग करनी होती है, ठीक है। आपने स्टेनोग्राफी के टेस्ट का मीडियम हिंदी सिलेक्ट किया है तो ज्वाइनिंग के बाद अंग्रेजी स्टेनोग्राफी आपको सीखना आवश्यक है, और अगर आपने अंग्रेजी सिलेक्ट किया है तो सिलेक्शन के बाद आपको हिंदी सीखना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे जाके डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं, और अगर हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ पर आपको जो टाइम थोड़ा बढ़ा के दिया था, इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए 75 और हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए 100 टाइम कर दिया जाता है, और जे है ग्रुप डी के लिए। ऐसे ही ग्रेड सी में अगर देखें तो ये टाइम हो जाता है 70, ये हो जाता है 95, पर ये हैंडीकैप्ड के लिए है जो शारीरिक अक्षम है, ठीक है। और स्किल टेस्ट जो होते हैं वो सामान्य तौर पर जो रीजनल ऑफिस वगैरह होते हैं वहाँ करा लिए जाते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपको इस एग्ज़ाम के हिसाब से जानना ज़रूरी है कि यदि उम्मीदवार आवेदन पत्र में स्टेनोग्राफी परीक्षण हेतु भाषा का माध्यम इंगित नहीं करता, मतलब कोई भाषा को चॉइस नहीं कर पाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसे अंग्रेजी भाषा से परीक्षण के लिए तैयार रहना होगा, यानी उसे अंग्रेजी भाषा के देना पड़ेगी फिर। तो अगर उसने कोई भाषा चॉइस नहीं कर पाया तो ऐसे उम्मीदवारों को अंग्रेजी भाषा के रूप में ही मान्य किया जाएगा, ठीक है। तो आप भाषा चुनते समय थोड़ा ध्यान रखें। इसमें इस कॉलम में ये बताने की कोशिश की गई कि स्किल टेस्ट में जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं उन लोगों को थोड़ा टाइम बढ़ा के दिया जाता है, तो ये बात मैंने आपको ऊपर बता दी है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें होगी, उम्मीदवार जो हिंदी स्टेनोग्राफी का टेस्ट का विकल्प चलते हैं उन्हें बाद में अंग्रेजी चुनना पड़ती है और नौकरी लगने के बाद, और अगर उन्होंने अंग्रेजी चुनी है तो बाद में उन्हें हिंदी चुनना पड़ती है, और इसमें विफल होने के बाद उन्हें नौकरी से या उनकी नियुक्ति को नामंजूर भी किया जा सकता है, ये भी बात समझने की है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये बात समझ में आनी चाहिए, अगर आपने नौकरी ज्वाइन कर ली और हिंदी वाले को आप डिस्क्वालीफाई करके आप अंग्रेजी से गए थे तो भी आप नौकरी से निकाले जा सकते हैं, तो इसलिए आप इन दोनों की प्रैक्टिस करें। इसमें बहुत देर से ग्रुप सी, ग्रुप ग्रेड सी, ग्रेड डी बोल रहा हूँ, ये ग्रेड डी सी और ग्रेड डी की जो नियुक्ति होती है वो ग्रुप एक्स और वाई के अंतर्गत होती है। अब जो ग्रुप एक्स और वाई क्या है,
तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं पहले हम। तो ग्रुप एक्स के अंतर्गत आती हैं केंद्र सरकार के मंत्रालय, केंद्र सरकार के जो विभाग जो दिल्ली में हैं, ठीक है। और ग्रुप वाई के अंतर्गत आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस, जो डिपार्टमेंट पूरे देशों में, राज्यों में, यूनियन टेरिटरी में, और सबऑर्डिनेट अटैच ऑफिस, मतलब पूरे भारत में फैले हुए। तो ग्रुप वाई में अगर नियुक्ति होती है तो पूरे भारत में कहीं भी हो सकती है, ग्रुप एक्स में नियुक्ति होगी तो दिल्ली में होगी, इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसमें होता क्या है, मैं आपको समझा दूँ कि ग्रुप सी और ग्रुप डी जो हैं, तो ग्रुप सी के चुने हुए व्यक्ति जो होते हैं उनकी पोस्टिंग दिल्ली स्थित केंद्र सरकार के मंत्रालयों या विभागों में होती है, जबकि ग्रुप डी के जो होते हैं इनको दो हिस्सों में बांटा गया है, एक्स और वाई ग्रुप में। तो एक्स में क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें नियुक्ति जो होगी वो दिल्ली में होगी, और वाई में जो होगी वो नियुक्ति अन्य राज्यों में या पूरे भारत में कहीं भी हो सकती है, ठीक है। जो ग्रेड सी और ग्रेड डी जो होते हैं वो आपको चुनने रहते हैं जब आप फॉर्म भरते हैं, और अगर आप नहीं चुन पाते हैं वो फॉर्म भर जाता है, पहले ऑफलाइन में ऐसा होता था, ऑनलाइन में वैसा नहीं होगा, तो उसमें ये रहता था कि मेरिट के आधार पर सी और डी मिलते थे। इसमें जो स्टेनोग्राफर होंगे उनको सैलरी क्या मिलेगी, ये पे स्केल इसमें दिया है चार्ट में, इसका पे स्केल 9300 से ग्रुप सी का है जो ग्रुप डी का है। ग्रुप सी में इसको 9300 से 34800 तक, और पाँच ग्रुप डी में है 5200 से 20200 तक पे स्केल है, ठीक है। इसी हिसाब से इनका बेसिक जो होता है वो 4200 से 4600 और 2400 है, और आरंभिक वेतन इनका 5200 शुरू होता है इसका भी, और मूल वेतन इसका 14500 इसका है 7600, ठीक है। तो इस तरीके से ये बताया हुआ है इनके वेतन को। इसके अलावा इनको कुछ अलाउंस मिलते हैं, महंगाई भत्ता, किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, और अभी अभी इनको जो है सातवां वेतन मिल गया 2016 से। तो सातवें वेतन आयोग के हिसाब से इनका 1 जनवरी 2016 का जो मूल वेतन है उसमें 2.57 की वृद्धि कर और सारे भत्ते लागू होंगे, ठीक है। स्टेनोग्राफर के स्किल के टेस्ट के बाद अंतिम चयन प्रक्रिया होती है, जिसमें आपके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह किए जाते हैं, और आपका 2 साल की अवधि के लिए प्रोविजन पीरियड होता है। इस अवधि के दौरान आपके कागजों की चेकिंग, आपके तरह तरह के परीक्षण किए जाते हैं, और परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है, जो विभागीय एग्जाम होते हैं, अगर आप उन्हें क्लियर नहीं कर पाते हैं तो सरकार आपको या डिपार्टमेंट आपको इस अवधि में हटा सकता है, प्रोविजन पीरियड कहते हैं ये।